मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, शाहरुख खान का वैष्णो देवी जाना बताता है कि समाज में बदलाव आ रहा है। मिश्रा ने उज्जैन में विवादास्पद निबंध प्रतियोगिता को रोकने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, उज्जैन में पैगाम इंसानियत सोसाइटी द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता को, जिसमें सिर्फ गैर मुस्लिमों को भाग लेने के लिए कहा गया था, रुकवाने के निर्देश उज्जैन एसपी को दिए गए। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में कहीं भी कुछ भी विवादास्पद नहीं होने दिया जाएगा। मेरे संज्ञान में ये विषय लाया गया था, उज्जैन में पैगाम इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें गैर मुस्लिमों को भाग लेने का कहा गया था। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था, वैसे लोगों ने नियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे परीक्षा की, और मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाए। मिश्रा ने कहा, देश में इस समय बदलाव की बयार चल रही है। शाहरुख खान का वैष्णो देवी जाना बताता है कि समाज में बदलाव आ रहा है, समाज अब जागृत हो गया है। ये बात इन सबको भी अगर समझ में आ गई है तो अच्छा है। सबको अपनी अपनी आस्था के अनुसार पूजा अर्चना करने का अधिकार है। जिसकी आस्था जिसमें है वो उसकी पूजा करे, लेकिन किसी की भावना को आहत न करें, इतनी सी बात है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा, कांग्रेस में लक्ष्मण सिंह कहते तो अच्छी बात है, पर कांग्रेस में उनकी बात कोई मानता नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी की बात दरअसल कोई मानता नहीं है कांग्रेस में, वो कहते तो अच्छी बात है, पर दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस में कोई मानता नहीं है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।